नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ज्यादा फल खाने से आपका वजन कैसे बढ़ सकता है। लेकिन यह वीडियो देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आप मेरी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहे। दोस्तों, अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या फल स्वस्थ नहीं है। इसका उत्तर है हाँ। फिर दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई वजन कम कर रहा है तो क्या वो ज्यादा ताजे फल खा सकता है। लेकिन सवाल का जवाब होगा नहीं। आज हम आपको बता रहे हैं कि ज्यादा फल खाने से आपका वजन कैसे बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको वजन कंट्रोल रखने के लिए फलों का सेवन कैसे करना चाहिए, यह भी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। नंबर एक, अतिरिक्त फ्रुक्टोज से मोटापा कैसे बढ़ता है। ग्लूकोज के विपरीत फ्रुक्टोज इंसुलिन के स्तर में वृद्धि नहीं करता है। यह एक हार्मोन है जो आपकी कोशिकाओं में उपस्थित शुगर को बाद में ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता है। हालांकि फ्रुक्टोज लेप्टिन प्रतिरोध बनाता है, जहां आपके मस्तिष्क को खाने को रोकने के लिए संदेश नहीं मिलता, जिससे मोटापा बढ़ता है। फ्रुक्टोज एकमात्र ऐसा शुगर है जिसे लीवर द्वारा चयापचय किया जाता है। इसलिए अगर अधिक खाया जाता है तो यह लेप्टिन प्रतिरोध के अतिरिक्त मोटापा, मधुमेह, फैटी लीवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और एक ग्लाइकेटेड या कारमेटिलाइज्ड लीवर पैदा कर सकता है। नंबर दो, फल से वजन कैसे बढ़ सकता है। आपका लीवर वसा जलाने वाला अंग है। यदि यह अस्वस्थ कर है तो वसा जलने और अपने रोजमर्रा के मुकाबले भारी पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों को विसर्जित करने का काम ठीक से नहीं हो पाएगा। मोटापे से पीड़ित लोग यह नहीं जानते कि ज्यादा फल खाने से वजन बढ़ सकता है। फ्रुक्टोज एक मुद्दा बन जाता है जब कुछ फलों को फाइबर से अलग किया जाता है। केले, किसी भी प्रकार का रस, सूखे किशमिश, सूखे कैनबेरी या स्टोर खरीदी हुई सब्जियां, पत्तेदार साग, मीठे आलू, ब्रसेल्स स्प्राउट्स या बहुत ज्यादा किसी भी गैर स्टार्च वाली सब्जी में शुगर की मात्रा अधिक होती है, जो रक्त में शर्करा को संतुलित करती है और लेप्टिन प्रतिरोध को बढ़ावा नहीं देती। नंबर तीन, फलों को खाने का सही तरीका। ध्यान रहे कि फल भोजन नहीं है। फल ज्यादा खाने से आपके वजन घटाने के प्रयास धीमे हो सकते हैं। आपको आसानी से 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, जिसमें सिर्फ 2 केला और 1 सेब होता है, और केले की एक 3 औंस की सेवा में 10 ग्राम चीनी होती है। इसलिए हम आपको यहाँ ऐसे सुझाव बताते हैं जिनकी सहायता से आप अपना वजन बढ़ने से रोक सकते हैं। नंबर एक, अधिक शुगर वाले फल जैसे अंगूर, अंजीर, पपीता, आम या चेरी जैसे उच्च चीनी फल खाएं। यह आपके शरीर के लिए एक स्वस्थ विकल्प है। नंबर दो, वजन कम करने या रक्त शर्करा को संतुलित करने की कोशिश करते समय कम शुगर वाले फल आपकी सबसे अच्छी शर्त है। दिन में 1 से 2 बार चेरी या एवोकाडो खाना फायदेमंद है। नंबर तीन, आप अन्य उच्च फाइबर, कम शुगर के प्रभाव वाले फलों जैसे कि 1 कप रास्पबेरी, कीवी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी या ग्रीन सेब के रूप में खा सकते हैं, क्योंकि ये पौष्टिक तत्व, फाइटोकेमिकल्स और फाइबर बहुत अधिक प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आहार जिनकी सहायता से आप अपने वजन को बढ़ने से रोक सकते हैं। दोस्तों, आप ज्यादा फलों का सेवन भी ना करें, क्योंकि यह एक तरीके से आपके वजन को बढ़ाने में मदद ही करते हैं। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।